हमला कर दो सारे, बोटियां ही बोटियां, माल ही माल। हाँ जी मामू जी, जिंदाबाद। महबूब साहब, गुड बाय गुड। जवाद अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? उम्मीद सब कैरियर से होंगे। और जो है मुंह पर मैंने तो एक वो लगाई हुई है, क्योंकि मेरे मुंह पर ना ये जो देखें तिल जो है ना वो काफी ज्यादा थे। अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 11:34 रात के। ये हमारा कुछ सीन ऐसा है, एक लड़के का मोबाइल गुम हो गया था, उसी हमने जो है वो बिरयानी डाल दी। बिरयानी कौन सी? दम बिरयानी, जिसमें 2 किलो गोश्त और ये चावल गोश्त धोने के लिए गया हुआ है। तो वो बनाएंगे आज हम सहरी के लिए। इसमें मिर्ची मसाले जो है उसमें हम ग्राइंड कर लेंगे, देसी ग्राइंड से गिरना चाहिए। चने बनाए थे, गरम है थोड़ा। कढ़ाई जो है वो हीटर के ऊपर रख दी है, पानी डाल दिया, पानी डाल गया थले। यहाँ मैं सिर्फ चावल धो के ले आया। कढ़ाई सही गर्म हो गया, सिपा सही लग गया। आधा किलो से ज्यादा घी डाल गया इस दिन, आधा किलो से ज्यादा। अभी चिकन मैरिनेट किया हुआ था, ये मसाला जो है इसे बाद में हम पहले चिकन को जो है हम अच्छी तरह तल लेंगे, एक नए अंदाज के साथ हम बनाएंगे आज। ये देख चमचा कहाँ है यार, बड़ा चमचा किधर है? बड़ा चमचा धोने के लिए ये नीचे पड़ा हुआ बर्तन। यहाँ पर सारा देख लें, मतलब ड्यूटी से आते हैं, सो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी कलेजी फैन के देखते हैं कि गर्म हो गया अच्छे से या नहीं। हो गया, अभी अच्छा सारा जो है जैसे जो मसाला नीचे रह गया उसकी कर देते हैं। देर के लिए इसे हम जो है तेल पे पकाएंगे, हाफ पका लेंगे। उसके बाद इसको हम मसाला मसाला डाल के तो फिर इसके ऊपर चावल उबालेंगे, चावल उबाल के फिर उसके अंदर डालेंगे। अरे इसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा नीचे लग जाएगी। ये अभी थोड़ा थोड़ा वाइट होना शुरू हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए और रखते हैं घी के ऊपर। हम देखें अभी इसके देखें इसके ऊपर अभी थोड़ा थोड़ा मसाला जो है हमने मैरिनेट किया था वो लगा हुआ है। इसके बाद वाला प्रोसेस वो हमने जो इसमें प्याज, ये जो हमने इसके अंदर अदरक है और टमाटर है और हरी मिर्च है हमने जो चॉप की हुई है इसके अंदर, वो मसाला काफी ज्यादा बनाएंगे। इधर चावल जो है इधर हमने पानी में भिगो के रखे हैं, उबालेंगे इसे। जो काफी ज्यादा है इसे हम निकाल लेंगे ये घी वाले बर्तन में, हल्दी वाला घी है थोड़ा। इसी के अंदर हम प्याज डाल लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। तकरीबन जो चिकन है हमारा वो आप देख सकते हैं ब्राउन, और कितना प्यारा इसका कलर जो है। तो ये जो घी है हमारा निकालना जरूरी है, बहुत ज्यादा घी हो जाएगा चावलों में। चावल हमने उबालने हैं अभी।
हम अपनी मर्जी से चीज बनाते हैं, जैसे मतलब हमने हमारा माइंड करे हम वैसे बनाते हैं, कोई किसी को सीखना नहीं है, कोई किसी को देखना नहीं है, कुछ बनानी ना आती हो वो हम देख लेते हैं किसी के लिए बनानी कैसे है। अब इस चीज का पता है कि यार ये चीजें हमने डाली है ऐसे ऐसे बनती है, तो वो हमें देखनी पड़ेगी, उसका ना पता होगा। अभी ये जो है वो थोड़ा सा ठीक बन बन रहा है, अभी ये मसाला थोड़ा सा बचा हो तो इसके इसके अंदर डाल देते हैं, जो चिकन है बाहर निकाल के मसाले चिकन लेते हैं, चिकन इसी के अंदर हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह कलर जो है चिकन का बहुत ही प्यारा आया हुआ है। मैरिनेशन में हमने जो है इसमें डाला हुआ था लाल मिर्च के दो पैकेट डाले थे छोटे जो बाजार से मिलते हैं 10-10 रुपए वाले, और इसमें हमें चिकन कोरमा डाला हुआ था, तो ज़्यादा पूरी बूढ़ी नहीं डाली, थोड़ा डाला था, नमक डाला था हमने, और उसके अलावा हमने सूखा धनिया जो पीसा हुआ वो डाला था, और उसके बाद हमने इसमें जो है ज़ीरा वो पीसा हुआ वो डाला था। अभी ये निकल गया, हम इसके अंदर जो है प्याज जो है प्याज डालेंगे इसके अंदर, 3-4 प्याज हमने जो है काट लिए, प्याज को ब्राउन होने तक हम इसी तरह हम सलसल चूल्हे पे पकाते रहेंगे। ये अभी चिकन जो है निकाला था भाई, इसके अंदर डाल देते हैं, अभी मसाला जो है ब्राउन हो रहा है साथ साथ हमने जो डाला हुआ था सारा, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। मैं तो कहना नहीं खा लिए मसाले का रंग देख के दिल कर रहा है कि इसी के साथ खाना खा ले, चावल उबाले ही ना साथ, लेकिन अभी लाए हैं और बेल होकर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तो बनाने पड़ेंगे। मुझे पक्की उम्मीद है कि किसी ना किसी के मुंह में पानी लाजमी आ रहा होगा इसको देख के। माशाल्लाह चिकन देखें कितना ही प्यारा जो वो तैयार हुआ है देखें, तो अभी इनको इसको साइड पे रखते हैं, इसके ऊपर क्या आएगा ऐसे रख के इसको इस परात के अंदर रख देते हैं, इधर साइड पे रख देते हैं। चावल हमने ऊपर उबलने के लिए जो है रख दिए हैं, इसके अंदर चमचा कम चलाएंगे चावल टूट ना जाए, अभी गर्मी काफी लगने लग पड़ी है, अभी ये इसके आगे बैठना ना मुश्किल बहुत हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना, इसका सिक्का मतलब जो इसका हबस और कमरे में भी हबस हुई पड़ी है, तो ये पंखा चलाया हुआ था अभी शोर आ रहा था इसका, इसलिए बंद किया अभी वीडियो बनाने के लिए। माशाल्लाह चावल देखें कितने मजे के, जो आए हुए मतलब एक चावल भी जो है ना जुड़ा नहीं है, सारे लहदा लहदा है देखे। तो अभी इसमें हम चिकन को डालते हैं नीचे, एक तेल लगाते हैं चिकन की, कुछ नहीं ला बशर मामू बनांदा उरा आ रहा हूं।
इतना कर दो सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बस। बोटियां ही बोटियां, माल ही माल। चमची ओ दही ओ गरम हाँ जी मामू जी जिंदाबाद। महबूब साहब गुड बाय गुड। जवाद किसी साथ वीडियो को एंड करते हैं। लोग सुबह अखबार है, कोई वीडियो और भी बनानी है तो कैसी लगी बिरयानी? मजा आ गया।